अगेन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट स्टूडेंट, सो लेट अस सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, एनडीपी कैलकुलेट करना है, जीडीपी क्वेश्चन में गिवन है. अब मुझे एनडीपी कैलकुलेट करना है, जीडीपी क्वेश्चन में गिवन है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है. तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता और नेट में माइनस करना पड़ता है. तो सबसे पहले तो मैं क्या कर दूंगी, डेप्रिसिएशन को माइनस. उसके बाद में मार्केट प्राइस, यहाँ पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे दिया है और जबकि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट पे. तो मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है और यहाँ पर पहुंचने के लिए हमें उसमें से टैक्स क्या करना पड़ेगा, माइनस. तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्या, माइनस एन आई टी. अब क्वेश्चन में तुम्हें जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, 17,150, और डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है कितना, 3,100. और एनआईटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, टैक्स में से सब्सिडी माइनस. तो टैक्स दिया हुआ है 5,200 और सब्सिडीज कितनी दी हुई है, 4,000. इसको सॉल्व करने पे मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना, 65,850. दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड योर डोमेस्टिक इनकम. और सेकेंड, अब मुझे क्या निकालना है, नेशनल इनकम. और नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो एनएनपी मैं कैसे निकालूंगी, मैं जीडीपी से भी जा सकती हूँ. लाइक अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो सबसे पहले तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनआईटी माइनस करो, उसके अंदर डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दो, एनएफआईए माइनस कर दो. तो ये ना करके मैं ऑलरेडी डेप्रिसिएशन और एनआईटी ऊपर माइनस कर चुकी हूँ और एनडीपी निकाल चुकी हूँ, तो मैं डायरेक्ट जीडीपी से नहीं निकाल के मैं कैसे निकालती हूँ, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो यहाँ पर ये भी फैक्टर कॉस्ट पे, ये भी फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब एनआईटी यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, ये भी नेट है और ये भी नेट है, मतलब यार डेप्रिसिएशन भी ऑलरेडी, ये दो चीज क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है. अब मैं डायरेक्ट इससे क्या माइनस प्लस कर दूं, सॉरी क्या प्लस कर दूं, एनएफआईए प्लस कर दूं, क्योंकि डोमेस्टिक से मुझे किसकी तरफ जाना है, नेशनल. तो डोमेस्टिक में एनएफआईए इंक्लूड नहीं होता है और नेशनल में एनएफआईए इंक्लूड होता है. ठीक है, तो मैंने एनडीपी अब भी कैलकुलेट किया, जो कि मेरा निकला था कितना, 65,850. और एनएफआईए मुझे क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो मैं कैसे निकालूंगी, मुझे फॉर्मूला पता है, फीफा माइनस फीटा. अब ये क्वेश्चन में डायरेक्ट फीफा और फीटा के नाम से देते नहीं है, इसका फुल फॉर्म देते हैं. क्या देते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दिया हुआ है क्वेश्चन में इसी नाम से. तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितनी दी हुई है तुम्हें, 800, और टू एब्रॉड दी गई है कितनी, 300. ठीक है, मतलब 65,850 में मैं कितना प्लस कर दूं, 500 प्लस कर दूंगी, तो आंसर मेरा आ जाएगा नेशनल इनकम, जो कि ये कितना, 66,350. दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द थिंग्स. क्लियर विद दिस, आपको कोई भी एक वैल्यू दे सकता है, वो चाहे वो जीडीपी की हो, चाहे वो एनडीपी की हो, चाहे वो एनएनपी की हो, किसी भी चीज की एक की वैल्यू दे देगा और उसको बोलेगा या तो एनडीपी पे जाओ, चाहे एनएनपी पे जाओ, चाहे जीडीपी पे जाओ. ठीक है ना, इस तरीके से आपको कैलकुलेट पर सीधी सी बात है, या तो वो ग्रॉस से नेट, या तो डोमेस्टिक से नेशनल, या तो फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस, या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचाएगा. तो आपको दिमाग में क्या फिट होना चाहिए, वो तीन चीजें, ग्रॉस और नेट, डोमेस्टिक और नेशनल, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट. इसी तरीके के, सेम इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है. मैंने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है. आज जो आपके संस्कृति ऐप पे शेयर किए गए हैं नोट्स, वो पीडीएफ है आपकी संदीप गर्ग की. ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास बुक नहीं है, सो दैट दे कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ सिमिलर टाइप. सो टुमारो आई विल शेयर फ्यू मोर न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, एंड बिफोर दैट यू हैव टू सॉल्व ऑल द इलस्ट्रेशंस प्लस प्रैक्टिकल. टुमारो एट दिस टाइम ओनली, इन इवनिंग ओनली, आई एम गोइंग टू टीच अ फ्रेश टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम. एंड बिफोर दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल विच इज शेयर टूडे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. Thank you. Have a nice day.